मोदी जी का विजन और भाजपा का विजन देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, उस दिशा में हम 11वें नंबर से 5वें में पहुंचे हैं। इस चुनाव को जीतने के बाद हम तीसरे पे पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन प्रत्याशियों की ताकत को झोंकने के साथ साथ नेताओं की बेचैनी भी बढ़ रही है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार शहडोल में दौरा कर रहे हैं। शहडोल लोकसभा चुनाव में माहौल अपने पक्ष में लाने के लिए राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा की। इसके बाद अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला शहडोल लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा के 400 पार के सपने को साकार करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उम्मीदवार हिमाद्री सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील के साथ ही वे कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि देश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। भगवान राम के मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी है, अलग तरह का उत्साह उमंग का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखते ही लोग उनको बुलाते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि चिंता मत करिए, मोदी जी को फिर से बना रहे हैं और उनको स्वागत करते हैं। तो कुल मिला के जनता का सहयोग मिल रहा है, कार्यकर्ता मोर्चे पर डटे हुए हैं और जहां तक आपने विजन का कहा है तो भारत का मोदी जी का विजन और भाजपा का विजन देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, उस दिशा में हम 11वें नंबर से 5वें में पहुंचे हैं। इस चुनाव को जीतने के बाद हम तीसरे पे पहुंचेंगे और 2047 जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनकर हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। सर, जैसे कांग्रेसी जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो वो दूर नहीं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस में राहुल गांधी जी के बयानों को देख के कांग्रेसियों को बहुत धक्का लगता है कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बचकानी बयानबाजी करना, हम एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे इस प्रकार की बातें करना, ये सब हास्यास्पद है। कोई विजन हो, कोई योजना हो, किस तरीके से करेंगे, चुटकी बजाते दूर कर देंगे, इस तरह की जब बातें होती हैं तो लोग हंसते हैं। इसी बीच आदिवासी अंचल शहडोल लोकसभा चुनाव की नब्ज टटोलते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने लोगों से मिलकर भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए देश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने की बात कही। साथ ही उदाहरण दिया कि जिस तरह से बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेसियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है, उसे देख कर लगता है कि कुछ दिन में ही कांग्रेस पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम सभी को पता है कि आज के इस समय में और आज के इस युग में जिस तरह से हमारे देश में 2014 से लेकर के 2024 तक जिस तरह से जो एक व्यापक रूप में जो हमारे देश और प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से मामले रहे जो कई वर्षों से लंबित रहे और ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने, उनकी नेतृत्व क्षमता रही कि उन्होंने वर्षों से लंबित मामलों को उन्होंने चुटकियों में निपटाया, चाहे वो 370 का मामला हो, राम मंदिर निर्माण का मामला हो, CAA का मामला हो, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको न्याय देने का मामला हो, नए संसद भवन के निर्माण का मामला हो, ऐसे कई विषय हैं जो इस देश के सामने बहुत ताकत के साथ हमारी सरकार ने रखा और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा। हम सभी जानते हैं कि जो गौरव हमारी इस देश को जो मिलना चाहिए वो मुझे लगता है जब हमारे इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब इस देश की कमान संभाले तो निश्चित रूप से हम सभी को वो गौरव प्राप्त हुआ और आज हम देख रहे हैं कि हमारा भारत विश्व पटल पर नाम रोशन कर रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के साथ साथ शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।